हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सो शेयर मार्केटिंग और वीडियो में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड की। जी हाँ दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड का क्वार्टर रिजल्ट आ गया है। क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ और कितने सारे इसमें आपको अच्छे अच्छे न्यूज़ हैं कि आपको वो सब जरूर जानना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, जिससे इस तरह की आपको अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो सबसे पहले चलते हैं न्यूज़ पे। देखिए दोस्तों, ट्राइडेंट का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आपको मिला है 90.51%, लगभग 100% का प्रॉफिट है। इसका मतलब मार्च 2021 में जितना इसके पहले का मार्च 2020 में प्रॉफिट था, उसका प्रॉफिट जो है डबल हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये पेनी स्टॉक जो है अब भागेगा, भागने के लिए तैयार है। अब देखिए, इनमें सेल्स जो है 35% से सेल्स भी इंक्रीज हो गई, 1,344 करोड़ हो गई है। नेट प्रॉफिट ट्राइडेंट रोज 90.5% फ्रॉम 76 करोड़, राइट। और पिछले क्वार्टर में इनका जो है 40 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो दोस्तों, ये सब न्यूज है। ये क्वार्टर रेवेन्यू और ये सब चीजें आपको पता चली गई होंगी, ये सब नंबर्स आप देख लीजिएगा। मोटा मोटी ये न्यूज है कि इनका जो है प्रॉफिट ऊपर की तरफ भागा है। और प्रॉफिट ही एक ऐसी चीज है जो शेयर को ऊपर की तरफ एक जो है मिटिगेट कर सकती है, भगा सकती है। आप देखिए, ये सब सेल्स वगैरह के डाटा है, ये सब ज्यादा डिटेल नहीं चलेंगे, ये सब आप जो है स्टैटिक्स देख लीजिएगा। मोटा मोटी ये है कि प्रॉफिट जो है डबल हुआ है। अब शेयर में क्या एक प्रॉफिट मूवमेंट हो सकता है। दूसरी चीज देखिए, बोर्ड ने रिकमेंड किया है डिविडेंड भी, राइट। डिविडेंड मीन्स 0.36 पैसे का डिविडेंड। कितनी कमाल की बात है कि जो है 2020-21 में 1 रुपए का, अगर जिसके पास जो है ये डिविडेंड हो 18 रुपए 50 पैसे, जिसके पास सपोज 100 शेयर हो तो उसको मिलेगा 0.36 36 रुपए। जिसके पास 1,000 शेयर, 20,000 शेयर, 1,00,000 शेयर हो, उसमें मल्टीप्लाइड बाई 0.6 शेयर। तो डिविडेंड की घोषणा दोस्तों, ये एक तो इस पे प्रॉफिट ने आग लगा रखी है, दूसरी चीज इसके डिविडेंड जो है, डिविडेंड ने भी इसको जो है फोड़ के रखा हुआ है। तो प्रॉफिट प्लस डिविडेंड दो चीजें ऐसी हैं कि जो इसको एक्सेलरेट करेंगी नियर टर्म में। और इसका जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी बाद में कि शेयर प्राइस कितना भाग सकता है आगे की तरफ। अभी आप ये जानिए कि जो है इसका डिविडेंड की घोषणा दूसरी पॉजिटिव न्यूज है। पहली पॉजिटिव न्यूज एक प्रॉफिट का एक डिक्लेयर करना, अगर डिविडेंड ना भी क्लियर होता तो भी ये प्रॉफिट के दम पे ऊपर जाता। अब दोस्तों देखिए, तीसरी न्यूज, बोर्ड ऑफ ट्राइडेंट अप्रूव चेंज टू चेंज इन डायरेक्टरेट। ठीक है, इनके डायरेक्टरेट में भी कुछ ऊपर के मैनेजमेंट में भी रिशफल किया गया है। वो आगे क्या क्या हुआ है देखिए। द बोर्ड ऑफ ट्राइडेंट अप्रूव हेल्ड ऑन मई 15 हैज अप्रूव द चेंज इन डेजिग्नेशन ऑफ राजीव धवन एज द चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इमीडिएट इफेक्ट। तो राजीव धवन जी को चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, राइट, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में चाहे वो किसी भी तरीके के हों, अलग अलग काम देखते हैं, वो उन सबका एक चेयरमैन नियुक्त किया गया है राजीव धवन जी को। द बोर्ड हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशन ऑफ पल्लवी श्रॉफ एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। पल्लवी श्रॉफ जी को जो है इन्होंने रिजाइन किया था, इनका जो है रिजाइग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया गया है। द बोर्ड ऑल्सो अपॉइंटेड उषा सांगवान एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी विद इमीडिएट इफेक्ट। तो उषा सांगवान जी को एक एडिशनल डायरेक्टर जो है यहाँ पे बनाया गया है। तो ये जो है बोर्ड में कुछ रिशफलिंग की गई है, जिसमें राजीव धवन को एक हेड बनाया गया है, हेड ऑफ चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पल्लवी श्रॉफ रिजाइन कर दिए, इनकी जगह पे उषा सागवान जी आई हुई हैं, जिनको इमीडिएट इफेक्ट पे जो है डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है। अब दोस्तों, आपको दो तीन तरह की न्यूज मिल गई। सबसे पहली न्यूज की एक प्रॉफिट प्रॉफिट जंप किया है, राइट। प्रॉफिट में आपको देखिए सीधा सीधा जो है आपको 90% 100% का जंप है प्रॉफिट में। दूसरी अच्छी न्यूज है कि आपको एक डिविडेंड भी मिला है, फाइनल डिविडेंड, राइट। तीसरी अच्छी न्यूज है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो रिशफल किया गया है। मतलब इतनी तीन अच्छी चीजें आपको देखने को मिली हैं। अब इसके दम पे अब आते हैं शेयर का मूवमेंट कैसा रहेगा, कहाँ तक जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला पॉइंट जो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए, एक हफ्ते से एक वीक का जो है चार्ट लगा के देखिए। एक वीक का चार्ट ये है 16 रुपए 25 पैसे से। एक मंथ का चार्ट देख लीजिए ज्यादा अच्छा तरीके से।
13 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड चल रहा था, यहाँ से भागा 13 से 19-30 तक, फिर थोड़ा सा नीचे आया, राइट। अब देखिए कुछ ना कुछ जो है बोर्ड में जो है जब क्वार्टर रिजल्ट आ रहा था तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव न्यूज थी, तभी जो है ये शेयर, आपको मालूम होगा कि जब भी क्वार्टर रिजल्ट किसी कंपनी का आने वाला होता है तो उससे रिलेटेड अगर अच्छी न्यूज होती है तो वो शेयर भागना शुरू कर देता है 2-4 दिन पहले ही। कुछ बेकार न्यूज आने वाली होती है तो शेयर डिक्रीज करना शुरू कर देता है। दोस्तों ये देखिए भागना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे एक अच्छी न्यूज छुपी हुई थी जो कल की डेट में आ गई। अब दोस्तों आगे तो हमें लगता है कि ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, सीधा जो है मल्टीपल अपर सर्किट मार सकता है। और अपर सर्किट क्योंकि देखिए एक पेनी स्टॉक जो होते हैं, ये पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक की क्वालिटी यही होती है, क्योंकि वो कुछ दिक्कत होती है मैनेजमेंट में, उनके प्रॉफिट में ध्यान से सुनिए गई चीज, पेनी स्टॉक इसीलिए नीचे आए होते हैं कि मैनेजमेंट में उनके क्वार्टर रिजल्ट में प्रॉफिट में दिक्कत होती है तभी वो नीचे आते हुए। कभी भी ये ट्रिक मिल जाए कि वहां का मैनेजमेंट में ठीक ठाक होना शुरू हो चुका है और प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है तो शेयर ऐसा ऊपर भागता है ना कि फिर देखते ही बनता है। तो ये पेनी स्टॉक अब जो है उड़ने के लिए तैयार है, अब ध्यान से सुनिएगा इसको, ये ऐसा मेरा मानना है जहां तक मैं चाहता हूँ। देखिए ये मेरे पास इसके एक भी शेयर नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं, लेकिन जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये मल्टीपल अपर सर्किट मार सकता है, राइट। मल्टीपल अपर सर्किट का मतलब है 16.95 पे क्लोज हुआ है, यहाँ पे 10% 10% 10% 5-6 मार मार के ये 30 भी जा सकता है, 40 भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है ये हमको भी नहीं मालूम है, क्योंकि पेनी स्टॉक कहाँ तक जाएगा आपको भी मालूम है, आलोक इंडस्ट्री नीचे से कहाँ तक गया था ये तो बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको भी मालूम है। अब देखिए ये अगर मल्टीपल अपर सर्किट मारेगा तो हो सकता है 30 के आसपास रुके, 30 के आसपास भी अगर इसका सर्किट ओपन ना हुआ तो हो सकता है 40 के आसपास जाए, राइट। इसी बीच मेरे पास एक भी शेयर नहीं है, मीन भाई थोड़ा सा सर्किट ओपन होने की कोशिश करेगा किसी 29-30 पे, मैं भी इस पे थोड़ा सा अपना पैसा लगाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखिए पैसा लगाने का बहुत सारे रीजन अब मिल चुके हैं, प्रॉफिट देना शुरू कर दिया है, मैनेजमेंट ठीक ठाक काम कर रहा है, वो सब चीजें हैं, एक पेनी स्टॉक से एक अच्छी कंपनी ये बन चुकी है, अब शेयर प्राइस में जो है रिएक्ट होना बाकी है और शेयर प्राइस ही इसका भागना शुरू करेगा आगे मंडे से, ठीक है। तो मंडे से 16.95, 19, 19 से 21, 21 से 24, 24 से इतना, देखिए दोस्तों ये सब मेरा पर्सनल राय है, पेनी स्टॉक का बिहेवियर के हिसाब से जितना मैं समझ है मेरी उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक को ट्रिगर चाहिए होता है, अब पेनी स्टॉक को ट्रिगर मिल गया फिर वो कैसे भागता है ये देखते ही बनता है। ऊपर से इसमें डिविडेंड की घोषणा हुई है, राइट, तो सोने पर सुहागा ये भी बात हो गई, डिविडेंड जल्दी से जल्दी लोग पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना सस्ते में पकड़ेंगे उतना अच्छा डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि उतना ज्यादा नंबर ऑफ शेयर ये लोग जो है बाई कर पाएंगे। सो ये शेयर दोस्तों मेरा ख्याल है 40 रुपए तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।